सलमान खान ने अब तक नहीं किया ये काम। सोनम कपूर से अक्षय कुमार तक ले चुके हैं रिस्क। बदलते वक्त और ऑडियंस की बदलती पसंद के मुताबिक अब बॉलीवुड में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो अब मेकर्स रिस्क लेने से नहीं कतराते, न ही स्टार्स को एक्सपेरिमेंट का डर है, जिसका नतीजा है बॉलीवुड में बन रही हटके फिल्में। हाल ही में ऐसे ही एक फिल्म रिलीज हुई है, हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर और अनिल कपूर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने समलैंगिक रिश्तों और भारतीय समाज में उसकी असमंजस की कहानी को बखूबी दिखाया है। वहीं बॉलीवुड में ऐसे हटके सब्जेक्ट्स पर कई फिल्में देखने को मिल चुकी हैं। आगे जाने ऐसी ही 10 शानदार फिल्मों के बारे में। बधाई हो, पिछले साल आई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था बल्कि क्रिटिक्स को भी खूब इम्प्रेस किया था। आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो में माँ के एक उम्र के बाद फिर से प्रेग्नेंट होने वाले अनकन्वेंशनल टॉपिक पर बात की गई है। पैडमैन अक्षय कुमार कभी रिस्क लेने से नहीं घबराते। महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं और सेनेटरी नैपकिन से जुड़ी ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं आई। वहीं मेन स्ट्रीम एक्टर के लिए ऐसी फिल्में करना किसी रिस्क से कम नहीं था। विकी डोनर स्पर्म डोनेशन पर आधारित ऐसी फिल्म ऑडियंस ने कभी देखी ना ही इसके बारे में ज्यादा सुना गया। वहीं जब ये फिल्म आई तो आयुष्मान खुराना लोगों का दिल जीत कर रातों रात स्टार बन गए। शुभ मंगलवार सावधान आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म इस लिस्ट में है। इस फिल्म में जेम्स प्रॉब्लम को रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एंगल से दिखाया गया। लोगों ने इस बार भी आयुष्मान की तारीफों के पुल बांध दिए। माई नेम इज खान शाहरुख खान की ये फिल्म अमेरिका में मुस्लिमों के साथ हो रहे बर्ताव पर आधारित थी। ये गंभीर समस्या इतने सेंसिटिव एंगल से कभी नहीं दिखाई गई। गजनी आमिर खान ने इस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले पेशेंट का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद ही ये बीमारी लोगों को सही तरीके से समझ आई। इस टॉपिक पर ऐसी फिल्म शायद ही बनाई गई हो। राजी महिला जासूस पर आधारित शायद ये बॉलीवुड की पहली फिल्म है। राजी एक ऐसी आम लड़की जो पाकिस्तान की बहू बनकर जाती है और भारत के लिए हर खतरे को अपने सिर पर लेने के लिए राजी हो जाती है। तारे जमीन पर ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे की परेशानियां जब पेरेंट्स और सोसाइटी नहीं समझ पाती तो वे किन हालातों से गुजरता है और स्पेशल बच्चों का किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इस फिल्म ने समझाया। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई फिल्म बनाई गई हो। तुम्बाड हॉरर फिल्में तो बॉलीवुड में अक्सर बनती ही रहती हैं, लेकिन तुम्बाड एक ऐसी कहानी है जो लालच और हॉरर का कॉम्बिनेशन है। बॉलीवुड में ऐसी हॉरर फिल्म शायद कभी नहीं बनी।